आज हम हमारे सेक्शन टू का जो चैप्टर है द वाइल्ड डक्स नेस्ट मतलब कि एक जंगली बतख का घोंसला ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल बॉय नेम्ड कॉलम हु इज अ नेचर लवर। ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी टचेज अ डक्स ग्रीन एग इन अ डेजर्ट नेस्ट। ही फील्स गिल्टी दैट He should not have touched the egg as the mother duck might forsake it। मतलब कि यह जो कहानी है ये एक छोटे से लड़के की है जिसका नाम कॉलम है, जो एक जो प्रकृति होती है जो नेचर है प्रकृति प्रेमी है, वह जिज्ञासा के चलते एक जो सुनसान घोंसला रहता है बतख का उसके हरे उसमें बतख का हरे रंग का एक अंडा होता है उसको छू लेता है और वह इस बात के लिए अपने आप को दोषी महसूस करता है कि उसे अंडे को नहीं छूना चाहिए था, जैसा कि जो बतख माँ है उसे छोड़ सकती है। मतलब कि जब ये हम सबको पता है कि अगर हम किसी चिड़िया का या किसी के अंडे को अगर कोई ह्यूमन बीइंग्स जो है अगर हाथ लगा देते हैं तो वो लोग उस अंडे को त्याग देते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि उसको वो हाथ नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि वो उसको छोड़ सकती है। तो हम यह जानने के लिए कहानी पढ़ेंगे कि क्या वह अपने अपराध से बाहर आ पाया या नहीं आ पाया वो लड़का जिसने उस बतख के अंडे को छुआ था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। द सन वॉज सेटिंग स्पिलिंग गोल्ड लाइट ऑन द लो वेस्टर्न हिल्स ऑफ रैथलिन आइलैंड। अ स्मॉल बॉय वॉक्ड jauntily along a hoof printed path that wriggled between the folds of these hills and opened out into a crater like valley on the cliff top. Presently he stopped as if remembering something, then suddenly he left the path and began running up on one of the hill. When he reached the top he was out of breath and stood watching streaks of light radiating from golden edges, edged clouds. A short distance below him was the cow, standing at the edge of a ruddy lake. Colum, pronounced Colum, ran down to meet her, waving his stick in the air, and the wind rumbling in his ears made him give an exultant whoop, which splashed upon the hills in a shower of echoed sound. A flock of gulls laying on the short green grass near the lake rose up languidly, drifting the blonde snowflakes over the rim of the cliff. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो एक छोटा लड़का है वो एक खुरमुद्रित रास्ते से मनोरंजन से चल रहा था, मतलब हूफ प्रिंटेड जो रास्ता होता है जहाँ पर पैरों के निशान होते हैं वहाँ से वो मतलब जानवरों के पैरों के जो निशान होते हैं ऐसे वाले रास्ते से मनोरंजन से चल रहा था, बिल्कुल मस्ती में चल रहा था, जो इन पहाड़ियों की तहों के बीच था। जो रास्ता था वो कहाँ था, पहाड़ियों के बीच में था और चट्टान की चोटी पर एक गड्ढे जैसी घाटी में खुलता था। जो रास्ता पहाड़ियों के बीच में था वो चट्टान की चोटी पर एक घाटी में खुलता था। प्रेजेंटली वर्तमान में वह रुक गया, जैसे कि कुछ याद हो, मतलब एकदम से वो रुक जाता है जैसे उसको कुछ याद आ गया हो, फिर अचानक उसने रास्ता जिस रास्ते पे वो जा रहा था उस रास्ते को उसने छोड़ दिया और पहाड़ियों में से एक और चलने लगा, मतलब उसने एक पहाड़ी जो पहाड़ी का दूसरा रास्ता था उसको उसने चुन लिया। जब वह शीर्ष पर पहुँच गया मतलब एकदम टॉप पर पहुँच गया तो उसकी सांस फूलने लगी। वह खड़ा होकर वहाँ पर सुनहरे बादलों से जो प्रकाश निकल रहा था जो सूर्य की किरणें बिखर रही थी उनको देख रहा था। उसके नीचे थोड़ी दूर पर एक गाय थी जो एक झील के किनारे खड़ी थी। कॉलम उससे मिलने मतलब उसको देखने के लिए नीचे दौड़ा अपनी छड़ी को हवा में लहराते हुए, हवा में मतलब घुमाते हुए जैसे एकदम अपन घुमाते हैं ना वैसे घुमाते हुए, और उसके कानों में हवा के झोंके ने उसे एक हूँप दिया। मतलब जैसे जब हम छड़ी को हवा में घुमाते हैं तो जिस प्रकार से वो हूँप की आवाज़ आती है वैसी आवाज़ उसको सुनाई दी, ऐसी आवाज़ आने लगी जब वो अपनी छड़ी को घुमा रहा था। तो
उसको एक फूप सुनाई दिया जो गूंजती हुई जनी की बौछार से पहाड़ियों पर बिखर गया। मतलब जो वो आवाज़ थी वो पहाड़ियों के ऊपर जैसे बिखर गई हो। जब हम किसी सुनसान जगह में होते हैं तब हमारी आवाज़ जैसे रिपीट होती है ना, उस प्रकार से उसकी उसकी छड़ी को घुमाने वाली आवाज़ भी पहाड़ियों पर बिखर गई, गूंजने लगी। झील के पास छोटी हरी घास पर पड़े गुल के झुंड, मतलब गुल एक तरह का पौधा है, तेज़ी से बिल्कुल बहुत ज़ोर से लेकिन एकदम सुस्ती में ऊपर उठ रहे थे, जैसे चट्टान पर उड़ रहे हों या जैसे चट्टान के ऊपर बह रहे हों। जॉन्टली का मीनिंग होता है मनोरंजन से। हूफ प्रिंटेड यानि खरमुद्रित जानवरों के पैरों के निशान। और रिगल्ड मीन्स छुटकारा होता है। रंबलिंग मीन्स गड़गड़ाहट, वो उसकी छड़ी की जो गड़गड़ाहट थी वो। एक्सीलेंट वूप का मतलब होता है बहुत ही सुंदर, ठीक है। और लैंगिट्यूडली का मतलब होता है एकदम सुस्ती से, बिल्कुल सुस्ती से वो उस पर लहरा रहे थे घास के जो गुल के जो झुंड थे वो। द लेक फेस्ड वेस्ट एंड वॉज फेड बाय अ स्ट्रीम। द ड्रेनिंग्स ऑफ द सेमी सर्कलिंग हिल्स वन साइड वॉज ओपन टू द विंड फ्रॉम द सी एंड इन विंटर अ लिटिल आउटलेट ट्रिकल्ड ओवर द क्लिफ्स मेकिंग अ ब्लैक वेन इन देयर ग्रे साइड्स। कॉलम लिफ्टेड स्टोन्स एंड बिगैन थ्रोइंग दैम इन टू द लेक वीविंग वेब आफ्टर वेब ऑन इट्स काम सरफेस। देन ही स्किम्ड द वाटर विथ फ्लैट स्टोन्स सम ऑफ देम जम्पिंग द सरफेस एंड कमिंग टू रेस्ट ऑन द अदर साइड। ही वॉज डिलाइटेड विथ हिमसेल्फ एंड आफ्टर लिसनिंग टू द एचोइंग साउथ्स ऑफ डिलाइट ही रेन टू फैच हिस काउ। जेंटली ही टैप्ड हर ऑन द साइड एंड रेलुकेंटली शी वॉज टूवर्ड्स द ब्राउन मडेड पाथ दैट लेड आउट ऑफ द वैली। द बॉय वॉज अबाउट टू थ्रो अ फाइनल स्टोन इन टू द लेक वैन अ बर्ड फ्लू लो ओवर हिज हैड। इट्स नेक अ स्ट्रेन एंड इट्स ऑरेंज कलर्ड लेग्स क्लियर इन द सॉफ्ट लाइट। इट वॉज अ वाइल्ड डक। इट सर्कल द लेक ट्वाइस थ्राइस कमिंग लोअर ईच टाइम एंड देन विथ अ नर्वस फ्लैपिंग ऑफ विंग्स इट स्किडेड अलॉन्ग द सर्फेस इट्स लेग्स ब्रेकिंग द वॉटर इन टू अ सीरीज ऑफ सिल्वरी आर्क्स। इट्स विंग्स क्लोज्ड। इट इज साइलेंटली इट लिट साइलेंटली गेव अ स्लाइट शिवर एंड बिगैन पीकिंग इनडिफरेंटली एट द वॉटर। अब यहाँ पे क्या बताया है, जो झील है जो लेक था उसका मुंह पश्चिम में था, मतलब वेस्ट में था, और अर्ध चक्र चक्करदार मतलब सेमी सर्कल जैसा पहाड़ियों की जल धाराओं से भरा हुआ था। जो स्ट्रीम्स थी उससे वो भरा हुआ था। एक तरफ सर्दियों में समुद्र से आने वाली हवाओं के लिए वह खुला हुआ था। चट्टानों के ऊपर थोड़ा सा आउटलेट जो उसके ग्रे साइड्स में नसों जैसा था वो कॉलम को दिखाई दिया। कॉलम ने पत्थरों को उठा लिया और उन्हें झील में फेंकना शुरू कर दिया, जिससे एक के बाद एक लहरों का जाल पानी की शांत सतह पर बनने लगा। उसके बाद उसने सपाट पत्थरों को जो स्किम्ड है मतलब फिसलाते हुए फेंका, उनमें से कुछ उछलकर दूसरी तरफ आ गए। वह खुद से खुश था और उसके गूंजने की खुशी सुनकर वह अपनी गाय लेने के लिए दौड़ा। मतलब जो पत्थरों की जो आवाज़ थी गूंजने की उसको सुनकर उसको एकदम से ध्यान आया उसकी गाय के बारे में और वह अपनी गाय को लाने के लिए दौड़ा। धीरे से उसने उसे किनारे पर और अनिच्छा से टैप किया और वह भूरे कीचड़ वाले रास्ते की ओर चला गया। मतलब उसने उसको टैप किया, उसको देखा, उसका पीछा किया गाय का, मतलब कि गाय कहाँ थी। और फिर जब वो वहाँ से जा रहा था तो वहाँ पर उसको मतलब बिल्कुल जो कीचड़ का कलर होता है ना वैसे वाले रास्ते पर वो चला गया, जहाँ पर वो कीचड़ भी था जो घाटी के बाहर जाता था वो रास्ता, उस रास्ते पर वो चला गया। वह लड़का झील में बिल्कुल लास्ट वाला पत्थर फेंकने वाला था, अंतिम पत्थर फेंकने वाला था, तभी एक पक्षी उसके सिर के ऊपर से उड़कर निकला।
जैसे ही वो अपना लास्ट पत्थर फेंकने वाला था तो एक जो पक्षी था, एक जो बर्ड था, वो उसके ऊपर से निकला, उसके गर्दन में खिंचा हुआ। मतलब जैसे ही वो उसके ऊपर से निकला, तो अगर हमारे उस सिर के ऊपर से एकदम से कुछ निकलता है तो हम झटके से ऊपर देखते हैं ना, ऐसे उसने ऊपर देखा तो उसकी जो गर्दन थी उसमें एक खिंचाव हुआ, और उस पक्षी की जो पक्षी था उसकी ऑरेंज कलर के पैर, मतलब जो नारंगी रंग के पैर थे, नरम रोशनी में साफ दिखाई दिए। फिर वो लड़का सोचता है कि यह एक जंगली बतख थी। उस बतख ने झील के दो तीन चक्कर लगाए, ट्वाइस और थ्राइस उसने दो तीन चक्कर लगाए, और हर बार नीचे आती और फिर उसने, मतलब बतख ने पंखों को नर्वस होकर फड़फड़ाया। वो एकदम से थोड़ी नीचे आती और अपने पंखों को फड़फड़ा कर क्या करती, वो वापस ऊपर चली जाती, और वह एकदम से वापस ऊपर चली जाती। उसकी टांगे पानी को तोड़ती हुई, बिखेरती हुई एक श्रृंखला में बदल जाती थी। मतलब जब वो बतख थोड़ी फड़फड़ा कर ऊपर उड़ती तो जो उसके पैर थे वो पानी के अंदर एकदम ऐसे टकराते, तो पानी के अंदर अगर हम कुछ डालते हैं तो जो पानी की लहर की एक श्रृंखला होती है, एक तरह से जिस तरह से वो बहता रहता है वो टूट जाती है, उसी प्रकार उन्होंने यहाँ बताया है कि उसको वो जो उसके पैर थे उससे वो श्रृंखला बदल जाती थी, उसके पंख बंद हो गए, और उसने शांति और एक मामूली कपकपी के साथ पानी पर उदासीनता से चोंच मारना शुरू कर दिया। और वो जब पानी के ऊपर आई वो बतख, उसके पैरों से पानी की श्रृंखला जो थी वो चेंज हुई, तब वो पानी के उस सतह पे बैठी, उसके पंख उसने बंद किए, मतलब अब वो पंख नहीं फड़फड़ा रही थी, वो नहीं उड़ रही थी, और पानी की सतह पर बैठकर पानी में वो अपनी चोंच मारने लगी, ऐसा यहाँ उन्होंने बताया है। कॉलम विथ डायलेटेड आईज एगरली वॉच्ड इट मेकिंग फॉर फर्दर एंड ऑफ द लेक, इट मैंडर्ड बिटवीन टॉल ब्रशेस, इट्स बॉडी ब्लैक एंड सॉलिड एज स्टोन अगेंस्ट द ग्रेइंग वाटर, देन एज इफ इट हैड संक इट वॉज गॉन। द बॉय रैन stealthily along the bank, looking away from the lake, pretending indifference. When he came opposite to where he had last seen the bird, he stopped and peered through the sagging reeds whose shadows streaked the water in a maze of black strokes. In front of him was a soggy islet guarded by the spears of sages and separated from the bank by a narrow canal of water. The water wasn't too deep, he could wade across with care. अब यहाँ पे क्या बताया है कि वो जो लड़का था उसकी आंखें एकदम से झुक गई थी, झुकी आंखों से कॉलम ने उत्सुकता से बतख को झील के दूसरे छोर पर देखा। वह ऊंचे उभार के बीच घुल मिल जाता है। बतख का शरीर काला और ठोस होता है, मतलब वो जब उसको देखता है तो वो मतलब उसको देखता रह जाता है, वो उसमें घुल मिल जाता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि वह उसको देखता रहे। और जो बतख है उसका शरीर काला और एकदम ठोस होता है, पत्थर की तरह, जो ग्रेइश पानी के अगेंस्ट होता है। फिर मतलब पानी जैसा हमारा, उसका कलर ग्रेइश था और पानी का कलर हमारा वाइट वाइट दिखता है, लाइट ब्लू टाइप में दिखता है, तो वो उससे बिल्कुल अपोजिट था, अगेंस्ट था। फिर उसने देखा मानो बतख जो है वो डूब गई हो, मतलब वो जा चुकी थी, ऐसा उसको महसूस हुआ। वह लड़का छुपकर चुपके से किनारे के पास जाता है झील को देखते हुए। झील से दूर, मतलब वो जैसे कि वह झील से बहुत दूर है ऐसा वो दिखावा करते हुए झील के पास में जाता है। जब वह उसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में आया था जहाँ उसने आखिरी बार जो बर्ड है उसको देखा था, मतलब जिस जगह उसने बर्ड को देखा था वो झील के दूसरी साइड थी, उसने इस साइड से देखा था, अब वह चुपके से उस साइड में जाता है जहाँ पर उसने उस बर्ड को देखा था। उसके तब वो वहाँ पर जाकर देखता है, वो वहाँ जाकर रुक जाता है, और उसने एक मतलब झांक कर देखा और पाया कि पानी पर जो पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज है। उसके सामने
घासों तिनकों का छोटा सा टापू देखा जो उसके सामने था। आइलेट का मतलब होता है जो टापू है ना, जिसे पानी के एक संकीर्ण चैनल द्वारा किनारे से अलग किया गया हो, मतलब ऐसा लग रहा था वो टापू जिसे कि जो पानी की जो किनारे हैं उससे थोड़ा अलग कर दिया गया हो, और लगता था जैसे भालों द्वारा उसको संरक्षित किया गया हो, मतलब कि उसको भालों के द्वारा बचाया जा रहा हो, मतलब उसकी रक्षा की जा रही हो उस टापू की। पानी बहुत गहरा नहीं था, वह आसानी से बिल्कुल संभल कर उसमें उतर सकता था, मीन्स वो पानी में आसानी से जा सकता था, बिल्कुल संभल कर केयरफुली वो उस पानी के अंदर जा सकता था, ऐसा यहाँ पर हमको उसमें बताया है। रोलिंग अप हिज शॉर्ट ट्राउजर्स ही बिगैन टू वेड हिज आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड एंड हिज लेग्स ब्राउन एंड स्टंड इन द माउंटेन वाटर एज ही ड्रीव नियर द आइलैंड। His feet sank in the cold mud and bubbles winked up at him. He went more carefully and nervously. Then one trouser leg fell and dipped into the water. The boy dropped his hands to roll it up. He unbalanced and made a splashing sound. And the bird arose with a squawk and whirred away over the cliffs. For a moment, the boy stood frightened. Then he clambered onto the wet-soaked sod of land, which was spattered with seagulls' feathers and bits of wind-blown rushes. Into each hummock, he looked, pulling back the long grass. At last, he came on the nest facing seawards. It was untidily built are dried rushes, straws and feathers, and in it lay one solitary egg. Colum was delighted. He looked around and saw no one. The nest was his. अब यहाँ पे क्या बताया है, जो कॉलम है वह अपनी छोटी पैंट को रोल करके, मतलब ऊपर की तरफ मोड़ कर, वह पानी में मतलब उतर गया। उसके पैर जो थे वो मतलब पहाड़ के पानी में फंस गए। जैसे ही वह टापू के पास गया, उसके पैर जो ठंडी मिट्टी में डूब गए और उस पर बुलबुले उठने लगे। वह और अधिक ध्यान से मतलब नर्वस होकर गया। जब वो पानी में उतरा तो मतलब अपनी पैंट को रोल करके ऊपर वो पानी में उतर गया, तो उसको ऐसा लगा कि पहाड़ों के पानी में उसके पाँव फंस गए हों, उस ठंडी मिट्टी में उसके पांव पूरे डूब गए थे। जब हम कोई कीचड़ वाली जगह में जाते हैं तो हमारे पैर पूरे उसके अंदर चले जाते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार। फिर उसका जो एक पैर की पैंट जो थी, एक साइड की जो पैर की एक पैर की जो पैंट थी, वो पानी में गिर गई। फिर उस लड़के ने उसे अपने हाथ पानी में डाले और वापस रोल करने के लिए उसको वापस से रोल करने के लिए उसने पानी में अपने हाथ को डाले और रोल करने के लिए वो कोशिश करने लगा। इतने में वह अनबैलेंस्ड हो गया, मतलब असंतुलित हो गया, उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ गया और वो छपाक की तेज आवाज़ आई और वो पानी के अंदर गिर गया। और जो पक्षी था अपनी कर्कश शब्द के साथ अपने पंख फड़फड़ा कर वहाँ से उड़ा और चट्टानों पे दूर चला गया। मतलब वो जो बतख थी वो वहाँ से अपने पंख फड़फड़ा कर उड़ी और चट्टानों पर दूर चली गई। ऐसा वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो मतलब वहाँ पर से वो दूर चली गई। और जो वो लड़का था वो थोड़ी देर के लिए डर गया, भयभीत हो गया, और उसके बाद वह गीली मिट्टी वाली ज़मीन पर ऊपर चढ़ गया, जो सीगल के पंखों और हवा के झोंकों के साथ बिखरा हुआ था। मतलब वो जो वहाँ जहाँ पर वो चढ़ रहा था गीली मिट्टी वाली जगह पर, वो जो ज़मीन थी वहाँ पर जो सीगल है उसके पंख और हवा के झोंकों के साथ वो सारे पंख बिखरे हुए थे। प्रत्येक टीले में उसने देखा लंबी घास जो पीछे खींचती हुई दिखाई दे रही थी। अब हवा चलती है तो घास एकदम पीछे की साइड झुक जाती है, उसी प्रकार उसने वहाँ पर छोटे छोटे टीले थे उसने उस पर देखा कि वो जो घास है वो पीछे की साइड जो है खिंचती दिखाई दे रही थी। अंत में वह घोंसले के पास आया और सबसे एंड में वो
घोंसले के पास पहुंच गया, जो समुद्र की ओर था। वह घोंसला जो बना हुआ था वो समुद्र की ओर बना हुआ था, और वो किन चीज़ों से बना हुआ था, सूखे तिनके और पंखों से वो घोंसला बना हुआ था। उस लड़के ने उसके अंदर देखा तो उसमें एक अकेला अंडा था। कॉलम खुश था। कॉलम ने इधर उधर देखा, उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो उसने क्या सोचा कि यह जो घोंसला है वो अब उसका है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, ना कोई बर्ड ना कोई इंसान। तो उसने क्या सोचा कि वो जो घोंसला है वो किसका है, उसका है। ही लिफ्टेड द एग स्मूथ एंड ग्रीन विथ अ फैंट टिंग ऑफ येलो लाइक अ रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम अ बटर कप एंड देन ही फेल्ट ही हैड डन रॉन्ग। ही पुट इट बैक क्विकली। ही न्यू ही शुडंट हैव टच्ड इट एंड ही वंडर्ड वुड द बर्ड फोरसेक इट। अ वैग्यू सैडनेस स्टोल ओवर हिम एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट ही हैड सिन्ड। केयरफुली स्मूथिंग आउट हिज फुटप्रिंट्स ही हरिडली लेफ्ट द आइलेट एंड रैन आफ्टर हिज काउ। द सन हैड नाउ सेट एंड द कोल्ड शिवर ऑफ इवनिंग एनवलप्ड हिम चिलिंग हिज बॉडी एंड सैडिंग हिज माइंड। जब उसने उस अंडे को देखा तो उसने उस अंडे को उठा लिया जो चिकना और हरा था। जो बटरकप जो होती, बटरकप का जो जैसे रोशनी होती है उसके प्रकाश की तरह पीले रंग का था। और फिर उसे महसूस हुआ कि उसने गलत किया है, मतलब उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसने जो अंडा उठाया है वो काम उसने गलत किया है। उसने उस अंडे को तुरंत वापस रख दिया। वह जानता था कि उसे उस अंडे को नहीं छूना चाहिए था, और वह यह भी जानता था कि पक्षी जो है वो अब क्या इसे छोड़ देगा, इसे त्याग देगा उस अंडे को, क्योंकि उसने उसको छू लिया है। उसके चेहरे के ऊपर एक उदासी छा गई, और उसने अपने दिल से महसूस किया कि उसने कोई पाप किया है। अपने पैरों के निशान को ध्यान से देखते हुए वह जल्दी से टापू छोड़कर अपनी गाय के पीछे भाग गया। अब जो मतलब उसको ऐसा मन में दुख हुआ था, इसलिए उसने अंडे को तुरंत रखा और अपने पैरों के निशानों को देखा, और वहाँ तुरंत वहाँ से वो अपनी गाय के पीछे भाग गया। सूरज जो था अब अस्त हो चुका था, और शाम की ठंडी कपकपी ने उसे ढक दिया था। किसको ढक दिया था? उस लड़के को ढक दिया था, मतलब उसको ठंड लगने लग गई थी। उसके शरीर मतलब उसके शरीर में उसको ठंड का आभास हो रहा था, और मन को दुखी करते हुए वो वहाँ से चला गया। इन द मॉर्निंग ही वॉज अप एंड अवे टू स्कूल। ही टुक द ग्रास रट दैट एज्ड द रोड फॉर इट वॉज सॉफ्टर ऑन द बेयर फीट। हिज हाउस वॉज द लास्ट ऑन द वेस्टर्न हेडलैंड एंड आफ्टर अ माइल और सो ही वॉज जॉइंड बाय पैडी मैक फॉल। बोथ बॉयज ड्रेस्ड इन सिमिलर हैंड निटेड ब्लू जर्सीज एंड ग्रे ट्राउजर्स कैरीड होम मेड स्कूल बैग्स। कॉलम वॉज फुल ऑफ द नेस्ट एज सुन एज ही जॉइंड हिज कंपेनियन पैडी मैकफॉल। ही सेड एगरली पैडी आई हैव अ नेस्ट अ वाइल्ड डक डक्स वॉज वन एग। तो यहाँ पर क्या बताया है, सुबह वह स्कूल के लिए उठ गया और वो स्कूल जाने के लिए निकल गया। अपने स्कूल जाने के लिए सड़क के किनारे वाली घास की जो झुरमुट वाली जो रास्ता रहता है जहाँ पर घास उगी होती है वो रास्ता उसने चुना, क्योंकि वह नंगे पैर से चलने में नरम थी, मतलब नंगे पैर अगर उस घास के ऊपर चलो तो नरम लगता है, हमको कुछ चुभता नहीं है, इसलिए उसने उस रास्ते को चुना। उसका घर पश्चिमी हेडलैंड पर आखिरी था, और एक एक मील के बाद वह पैडी और मैकफेल जो उसके दोस्त से मैकफेल जो उसके साथी थे उनके साथ में हो गया। दोनों लड़कों ने पैडी और मैकफेल उन दोनों लड़कों ने हाथ से तैयार नीली जर्सी और भूरे रंग की पैंट पहनी थी, और उन्होंने घर पर बने हुए स्कूल बैग लिए हुए थे। कॉलम के दिमाग में जो उसने घोंसला देखा था वही सब चल रहा था, और जैसे ही वह अपने साथियों में शामिल हुआ उसने उत्सुकता से कहा, पैडी मेरे पास एक घोंसला है, एक जंगली बतख का जिसमें एक अंडा है, ऐसा वो उसको बोलता है।
एंड हाउ डू यू नो इट्स वाइल्ड डक, आस्क पैडी स्लाइटली जेलियस। और तुम कैसे जानते हो कि वह जंगली बतख है, पैडी ने ईर्ष्या से मतलब जलते हुए उससे पूछा। श्योर आई सॉ हर विथ माई ओन टू आईज, हर ब्राउन स्पेकल्ड बैक विथ अ क्रॉस पैच ऑन इट एंड हर लिटिल येलो लेग्स एंड। तो जो कॉलम है वो बोलता है मुझे यकीन है मैंने उसे अपनी आँखों से, अपनी दोनों आँखों से देखा था, ऐसा कॉलम ने कहा। उसकी भूरी धब्बेदार पीठ और कोवे जैसा पेट और उसके पीले छोटे पैर, और ऐसा करके वो बता रहा रहता है। वेयर इज इट, इंटरप्टेड पैडी इन अ चैलेंजिंग टोन। बीच में ही रोकते हुए पैडी उससे बोलता है कहाँ है वो, पैडी ने चुनौतीपूर्ण लहजे में उससे पूछा कि कहाँ है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू फॉर यू हैड रॉब इट। तो जो कॉलम है वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा क्योंकि तुम उसे लूट लोगे, ऐसा कॉलम बोलता है। आई सपोज इट्स अ टेन डक्स यू हैव और मे बी एन ओल्ड गुल्स। तो जो पैडी है वो कहता है कि मुझे लगता है कि यह कोई पालतू बतख है या शायद पुराना गुल हो सकता है, ऐसा वो उसको बोलता है। कॉलम पुट आउट हिज टंग एट हिम, अ लॉट यू नो ही सेड, फॉर अ गुल्स एग हैज स्पॉट एंड दिस वन इज ग्रीनिश वाइट फॉर आई हैड इट इन माई हैंड। तो जो कॉलम है वो अपनी जीभ बाहर निकालता है और कहता है तुम बहुत कुछ जानते हो। फिर उसने कहा गुल के जो अंडे होते हैं उसमें धब्बे होते हैं और यह हरा सफ़ेद था जिसे मैंने अपने हाथ में लिया था। एंड देन द वर्ड्स ही डिडंट वॉन्ट टू हियर रश्ड फ्रॉम पैडी इन अ मॉकिंग चैंट, यू हैड इट इन योर हैंड, शी विल फॉरसेक इट, शी विल फॉरसेक इट, शी विल फॉरसेक इट, सैड स्कीपिंग अलॉन्ग द रोड बिफोर हिम। और फिर पैडी के वह शब्द जो वह नहीं सुनना चाहता था मंत्र की तरह उसके कानों में गूंजने लगे। किसके कानों में? कॉलम के कानों में, कि तुमने अपने हाथ में लिया था और वह उसे छोड़ देगी, उसे त्याग देगी, वह उसे छोड़ देगी, उसे त्याग देगी, वह छोड़ देगी, त्याग देगी, ऐसा करके उसके कानों में वे शब्द गूंजने लगे। पैडी ने ऐसा कूदते हुए रोड पर, मतलब रोड पर कूदते हुए उसके कॉलम के सामने कूदते हुए ऐसा सब उससे कहा था। कॉलम फेल्ट एज इफ ही वुड चौक और क्राई विथ वैक्सेशन, वैक्सेशन का मतलब होता है गुब्बार। हिज माइंड टोल्ड हिम दैट पैडी वॉज राइट, बट समहाउ ही कुडंट गिव इन टू इट एंड ही रिप्लाइड She will not forsake, she will not, I know she will not। अब कॉलम को लगा जैसे वह जो है घुट घुट कर रोएगा, अपनी गलती का गुब्बार निकालेगा। उसका दिमाग कह रहा था पैडी सही है, वह यह सोच मतलब बोल रहा था, लेकिन किसी तरह वह इसे मान नहीं रहा था इस बात को। और उसने उत्तर दिया वह नहीं छोड़ेगी, वह नहीं छोड़ेगी, मुझे पता है वह नहीं छोड़ेगी, ऐसा वो बोलता है। बट इन स्कूल हिज फेथ वेवर्ड थ्रू द विंडोज, ही कुड सी मूविंग शीट्स ऑफ रेन देन दैट ड्रिबल डाउन द पेंस, फिलिंग हिज माइंड विद थॉट्स ऑफ द लेक क्रीज्ड एंड चिल्ड बाय द विंड, द नेस्ट सोडन एंड ब्लैक विद वेटनेस एंड द एग कोल्ड एज केव स्टोन। He shivered from the thoughts and fidgeted with the inkwell cover, sliding it backward and forward mechanically। लेकिन स्कूल में उसका विश्वास डगमगा गया। जब वो स्कूल गया तो उसके मन में पैडी की बात भी चल रही थी। वो खाली ऐसा सोच रहा था कि वो उसको नहीं छोड़ेगी, लेकिन पैडी की बात उसके मन में चल रही थी कि वो उसको छोड़ देगी, इसलिए उसका विश्वास जो है वो डगमगा गया। खिड़की से वह बारिश की जो चादर को देख सकता था, मीन से कि जो गिरती हुई बारिश की बौछार है उनको वो देख सकता था। जब बारिश की बौछार गिरती है तो ऐसा लगता है ना जैसे कोई सफ़ेद चादर हो, इसलिए यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि बारिश की चादर को वो देख सकता था। बारिश जिसने खिड़की के शीशों को गिरा दिया था,
मतलब बारिश जो हो रही थी वो इतनी तेज़ थी कि उससे शीशी के जो खिड़की के जो शीशे थे वो भी नीचे कर दिए गए थे। उसका मन झील के विचारों से भर रहा था। उसके मन में दिमाग में बार बार झील का विचार आ रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था कि हवा और ठंडेपन से में जो घोंसला है वो भी गीला हो गया होगा और अंडा जो है वो ठंडे पत्थर की गुफा जैसा हो गया होगा। वह इन विचारों से कांप गया और विचारों में डूबा होने के कारण इंक वेल मतलब जो डेस्क पर जो इंक की बॉटल लगी होती है ना दवात, उसको आगे पीछे करने लगा, उसको फिसलाने लगा किसी मशीन की तरह, जैसे कोई मशीन हो उस तरह से उसको वो आगे पीछे करने लगा। पहले के समय में डेस्क के ऊपर जो है वो इंक की बॉटल रखी होती थी ताकि आप जाओ उसमें ऐसे मोर पंख वगैरह है उसको डुबो और उससे लिखो, ऐसे इसमें बताया है। तो वो बिल्कुल किसी मशीन की तरह उसको आगे पीछे घुमाने लगा। द मिस्चीवियस लुक हैड गॉन फ्रॉम हिज आइज एंड द स्कूल डे ड्रैग्ड ऑन इंटरमिनेबली, बट एट लास्ट दे वर आउट इन द रेन, कॉलम रशिंग होम एज फास्ट एज ही कुड। अब जो शरारत भरी नज़र थी उसको, उसकी जो आंखें थी उससे जा चुकी थी, मतलब वो इन सब विचारों में खोया हुआ था तो वो थोड़ा सा गंभीर हो गया था, इसलिए वो शरारत नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो उसकी शरारत भरी नज़र थी उसकी आंखों से जा चुकी थी और स्कूल का दिन ख़त्म होने पर आ गया था, लेकिन आखिरकार वे बारिश में बाहर आ गए। क्यों बाहर आ गए? क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो गई थी। कॉलम ने घर की तरफ दौड़ लगाई, जितनी जल्दी वह घर पहुंच सकता था उसने पहुंचने की कोशिश की। किसने? कॉलम ने। ही लॉस्ट नो टाइम एट ऑल एट हिज डिनर ऑफ पटेटोज एंड सॉल्टेड फिश एंड ही वॉज आउट इन द वैली नाउ स्मोकी विथ ड्रिप्स ऑफ स्लैंटिंग रेन अपोजिट द आइलेट। He entered the water. The wind was blowing into his face, rustling noisily, the rushes heavy with the dust of rain. A moss creeper swaying on a red like a mouse filled the rain with the light cries of loneliness. घर पहुंचने पर वह अपना समय आलू और नमकीन मछली को खाने में नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए वह बाहर घाटी में आ गया। अब जो बारिश थी वो तिरछी, बारिश की जो बूंदें थी वो तिरछी पड़ रही थी और धुआंधार पानी बरस रहा था। टापू पर जाने के लिए इतने पानी के बावजूद उसने मतलब वो पानी में वहाँ पर जाने के लिए तैयार हुआ, वो वहाँ इतना पानी बरस रहा था तो भी वो टापू पर जाने के लिए तैयार हो गया और उसने निकल गया। हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, मतलब हवा के थपेड़े जो थे उसके चेहरे पर पड़ रहे थे, बारिश की धूल उसके चेहरे पर पड़ रही थी। एक जो काई होती है, जो काई जम जाती है ना, वैसा वहाँ पर उसको जो जलीय पौधे हैं वो ऐसे काई जैसे वहाँ पर जमी हो ऐसे वहाँ पर उसको चूहे की तरह दिखाई दे रहे थे। हवा की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई अकेलेपन में रो रहा हो, ऐसी उसको हवा की आवाज़ें लग रही थी। द बॉय रीच द आइलैंड, हिज हार्ट thumping with excitement, wondering did the bird forsake. He went slowly, quietly onto the strip of land that led to the nest. He rose on his toes, looking over the ledge to see if he could see her, and then every muscles tautened. She was on her shoulders, hounced up and her bill laying on her breast as if she were asleep. Column's heart hammered wildly in the ears. She hadn't forsaken. He was about to turn stealthily away. Something happened. The bird moved. Her neck straightened, twitching nervously from side to side. The boy's head swam with lightness. He stood transfixed. अब यहाँ पे क्या बताया है, जो लड़का था वह टापू पर पहुँच गया, उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था, वह सोच रहा था कि बर्ड ने जो डक है उसने अंडे को छोड़ दिया क्या, ऐसा सोचकर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो जो लड़का है वो घोंसले की तरफ धीरे धीरे चुपचाप
जो जमीन पर एक छोटी सी पट्टी होती है उस पर से चलता हुआ वहां पर गया। उसने अपने पैर ऊपर उठाए जितना वह उठा सकता था, अपने पंजों के ऊपर वो खड़ा हुआ और यह देखने के लिए कि अंडा वहाँ है या नहीं, बर्ड है या नहीं। उसकी सारी मांसपेशियाँ जो है वो जीर्ण शीर्ण हो गई, मीन्स जैसे टूट गई हूँ। वह अपने कंधों पर झुकी हुई थी, कौन झुकी हुई थी, बर्ड झुकी हुई थी, और उसका जो सर था उसके ब्रेस्ट पर, उसके सीने पर था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो सो रही हो। जो कॉलम था उसका दिल धड़क रहा था, जिसकी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। उसने नहीं छोड़ा, ऐसा वह सोच रहा था कि उसने उस अंडे को नहीं छोड़ा बतखने। वह चुपके से दूर जाने वाला था, तभी कुछ हुआ। जो पक्षी था, जो बर्ड था, वो मतलब अपनी गर्दन सीधी करके वहाँ से इधर चला गया। जो इधर उधर उसकी सीधी गर्दन जो थी वो घूम रही थी और वो वहाँ से चला गया। वह जो लड़का था उसका सिर हल्का हो गया और वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। यह देखकर कि बर्ड ने उसको देख लिया है, अब वो उस अंडे को छोड़ देगी, ऐसा सोचकर उसका सिर एकदम से चकराया और वो वहाँ से भाग गया। द वाइल्ड डक विथ अ पैंकी फ्लैपिंग रोज हैवीली एंड फ्लू ऑफ टूवर्ड्स द सी। अ गिल्टी साइलेंस एनवेलप्ड द बॉय। ही टर्न टू गो अवे, हेजिटेटेड एंड ग्लैंस्ड बैक एट द बेयर नेस्ट। इट हैड बी नो हार्म टू हैव अ लुक। टिमिडली ही अप्रोच्ड इट, स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड गेजिंग ओवर द एज। देयर इन द नेस्ट ले टू एग्स। ही ड्र्यू इन हिज ब्रीथ विथ डिलाइट, स्प्लैश्ड क्विकली फ्रॉम द आईलैंड एंड रेन ऑफ विस्लिंग इन द रेन। जो लड़का था उसमें एक मतलब दहशत हो गई थी, उसमें उसको एक डर हो गया था। उसके साथ उसने जंगली बतख जो है वो, उसने देखा कि जंगली बतख जो है वो अपने पंख फड़फड़ाकर समुद्र की ओर उड़ गई है। वो मतलब अपने आप को दोषी मानता था, इसलिए उस लड़के के ऊपर एक दोषी वाली चुप्पी छा गई, मतलब उसको गिल्टी फील हो रहा था। वह वापस जाने के लिए मुड़ा, हिचकिचाहट के साथ उसने वापस घोंसले में देखा। उसने सोचा देखने में कोई नुकसान नहीं था। वह डरते हुए घोंसले के पास गया और किनारे पर सीधे खड़े होकर टकटकी लगाकर देखता रहा। उसने देखा घोंसले में दो अंडे थे। उसकी सांस खुशी से रुक गई, मतलब एकदम उसकी सांस जो है वो खुशी के मारे एकदम से रुक गई। अपन किसी चीज़ को देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और अपनी सांस एकदम रोक लेते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार उसकी सांस खुशी से रुक गई। वह द्वीप से, जो आइलैंड था वहाँ से, जल्दी से बारिश में सीटी बजाते हुए भाग गया। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसमें क्या बताया है कि जो लड़का है उसको एक वाइल्ड डक का नेस्ट मिलता है और वो वहाँ पर उसके अंडे को अपने हाथ में उठा लेता है। और जब वो उस अंडे को अपने हाथ में उठाता है और अपने दोस्तों को बताता है, तो उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि तुमने अंडे को हाथ लगा दिया, अब जो बतख है वो उस अंडे को छोड़ देगी। लेकिन फिर भी लड़के के मन में ये विश्वास रहता है कि वो अंडा नहीं छोड़ेगी। वो पूरे समय स्कूल में और सब जगह उसके दिमाग में यही सब बातें चलती रहती हैं। स्कूल से आने के बाद वो दूसरे दिन वापस उस नेस्ट के पास जाता है और वो देखता है तो वहाँ पर उसको उस नेस्ट के अंदर दो अंडे दिखाई देते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है और बरसते पानी में सीटी बजाते हुए अपने घर की तरफ वापस आ जाता है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी स्टोरी। थैंक यू।